पनीर की कई तरह की सब्जियां आपने बनाई है। क्या आपने पनीर की कलेजी बनाई है? पनीर को छोटा छोटा काट कर उसका टेक्सचर चेंज किया जाता है और उसका कलर चेंज किया जाता है, जिसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और बहुत मज़ेदार की सब्जी बनने वाली है पनीर कलेजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में 2 कप पानी रख दिया था गैस पर, और पानी में अच्छे बॉईल आने लगे हैं तब इसमें हम डाल देंगे 1 कटा हुआ चुकंदर या बीटरूट। अब मैं इसके बाद डाल दूंगी 1 टेबल स्पून बेसन। तो बेसन को ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, बस 1 टेबल स्पून डालना है। इतना बेसन मत डालिएगा कि पानी का जो टेक्सचर है पानी गाढ़ा हो जाए, रबड़ी जैसे हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस 1 टेबल स्पून पानी डालकर इनको जो है अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेना है। अभी तो ये गुठली बन गई है, बाद में ये जो है घुल जाएगा, जैसे जैसा गर्म होता जाएगा वैसे वैसे घुल जाएगा बेसन अच्छी तरीके से। अगर गुठलियाँ भी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे बेसन और बीटरूट अपना कलर छोड़ दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम पनीर, छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इसको हम डाल देंगे चुकंदर वाले पानी में। अब इनको हम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पर छोड़ देंगे पकने के लिए। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, तेल या नमक कुछ भी नहीं, बस हमने इनको 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। और पनीर का कलर देखिए चेंज हो गया है एकदम। अब गैस को हमने बंद कर दिया है, तो इनको अब पानी से बाहर निकाल लेना है। पनीर को एक अलग प्लेट में हमको निकाल कर रख लेना है, और ये जो पानी है इसको यूज हम नहीं करेंगे, इसको ड्रेन आउट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पनीर का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ थोड़े से मसाले पीस कर तैयार करेंगे। 10 से 11 लहसुन की कलियाँ और 2 कटे हुए टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, इनमें पानी नहीं डालना है, इनका बस पीस कर पेस्ट बना लेना है। अब हम वापस से रखेंगे, गैस पर रखेंगे एक पैन। पैन के अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग मैंने लिया है, 6 से 8 मैंने काली मिर्च ली है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टुकड़ा जावित्री और 2 तेज पत्ता। जैसे ये मसाले थोड़े पक जाएंगे, इसके बाद हमने यहाँ पर 2 कटी हुई प्याज लिया है रफली, इन्हें डाल देंगे और इनका कलर चेंज होने तक प्याज का इन्हें हम भून लेंगे, ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए, थोड़े पिंक हो जाए ये प्याज की कलर। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ पर जो पेस्ट बनाकर रखा था टमाटर का, इसको डाल देंगे पैन में। अब इन्हें लगातार चलाते हुए हम इनको भून लेंगे, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए, साइडों से तेल निकल कर ना आने लगे। इसमें हम डाल देते हैं नमक। नमक डालने से ये जो मसाले हैं बहुत जल्दी अपना तेल छोड़ने लगते हैं, और इनको हम अब लिड लगा देंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद 2 मिनट होने के बाद चेक करते हैं, तो देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है और साइड से तेल निकल कर आने लगा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें पकने देते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर थोड़े से मसाले हम डाल देते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे,
एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है मीट मसाला, इसे डाल देंगे। और एक छोटी चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। मसालों को अच्छे से भूनना है, जितना अच्छा मसाला भूनेंगे इसमें से उतनी अच्छी खुशबू निकल कर आने लगेगी। मसाला बहुत अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स, तभी हमारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो इनको मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए, तो 2 से 3 मिनट मैंने भून लिया है। इसको हम कवर कर देंगे। तो देखिए साइड से तेल निकल कर आने लगा है। और 2 से 3 मिनट होने के बाद देखिए इनका कलर, इनका टेक्सचर, ग्रेवी बहुत अच्छी महक रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इनमें से, और साइड से तेल निकल कर आने लगा है। एकदम जालीदार ग्रेवी हमारी पक गई है। तो यहाँ पर जो मैंने पनीर को लिया था 100 ग्राम, ये पनीर हम डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। अगर आप पूड़ी या पराठे के साथ इसको खाना है तो इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है इस स्टेज पर। और अगर आपको चावल से खाना है, ग्रेवी चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी का यूज किया है, एकदम गर्म पानी मैंने लिया है। और इनको लेवल कर लेना है। तो जो है मैंने अब लिड लगा देंगे और इनको 4 से 5 मिनट तक पकने देते हैं एकदम लो टू मीडियम में। तो 4 से 5 मिनट हो गया है। तो यहाँ पर ये जो पनीर कलेजी की सब्जी है, अब इसका टेक्सचर, इसकी रंगत देखिए बहुत ही मज़ेदार की बनी है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इनको एक बार हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो सारा पानी जो है सूख गया है। मुझे ग्रेवी वाली नहीं बनानी थी, इसको इस तरीके से बनानी थी, एकदम मसालों में लटपट वाली सब्जी। पनीर कलेजी की सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। इसमें जो मसाले थे, तेज पत्ता वगैरह, इनको हम निकाल लेंगे। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। तो मसालों से जो है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से। तो जो खड़े मसाले मैंने डाले थे उनको निकाल लेने हैं और इनको यहीं पर 2 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देना है। इसके बाद सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार की सब्जी तैयार है हमारी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार की सब्जी है। आप इन्हें चावल के साथ सर्व करिए या पूड़ी पराठे के साथ सर्व करिए या सफ़र पर बना कर ले जाइए या लंच बॉक्स में। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। बाय दोस्तों।